एक लड़की के साथ जबरदस्ती होती है पर उसके बाद वो किसी से भी बात नहीं करती। उसके साथ जो हुआ था इसके बारे में वो किसी को भी बताना नहीं चाहती थी। इस सब से उसे खुद को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। क्या इन सब से वो उभर पाएगी, यह हम आज के हमारे मूवी स्पीक 2004 की एक हॉलीवुड ड्रामा मूवी में देखेंगे। ये मूवी एक बहुत ही अच्छे से मैसेज के साथ आती है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर मिलिंडा को देखते हैं। वो अपने मुंह पर जैसे किसी ने उसे स्टिच कर दिया हो इस तरीके से पेंट कर रही थी। उसकी मदर ने आकर देखा और उस पर वो गुस्सा हो जाती है, पर उसे काम पर जाना था तो इस वजह से उससे कुछ भी बात नहीं करती। पूरा समर बीत गया था, मिलिंडा का बिहेवियर इसी तरीके से था, तो मदर इस बात को इग्नोर कर देती है। आज स्कूल का फर्स्ट डे, वो नर्वस थी और जाने से डर रही थी। आज एक नई लड़की स्कूल में आई जिसका नाम है हेदर। मिलिंडा उसे उतनी ज्यादा लाइक नहीं करती, पर वो स्कूल में नहीं है, उसे फ्रेंड की जरूरत पड़ेगी और उस वजह से मिलिंडा उसकी फ्रेंड बनने के लिए मान जाती है। वो बहुत ज्यादा बोलती थी तो मिलिंडा को ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनकी स्कूल की टीम की लड़कियों ने मिलिंडा को नोटिस किया था, वो ज्यादा कुछ भी बात नहीं करती, इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। आज अपनी क्लास ढूंढते हुए मिलिंडा को जरा लेट हो गया तो उसके टीचर मिस्टर ने उसे एक वार्निंग दे देते हैं। इनकी बायोलॉजी की क्लास थी तो मिलिंडा का लैब पार्टनर ही डेव बना। डेव हमारा एक बहुत ही ब्रेव कैरेक्टर है, उसे जो लगता है ये बात वो कह देता है, किसी से भी नहीं डरता। मिलिंडा को अपनी बायोलॉजी की टीचर बहुत ही अगली लगती है। इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जिसमें मिलिंडा अपने समर ब्रेक के पहले अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में जा रही थी। ये सीन हमें बीच बीच में दिखते रहेंगे और हुआ क्या था इसके बारे में हमें पता चलेगा। मिलिंडा कैफेटेरिया में आई तो हर कोई इसका मजाक उड़ा रहा था, तो वहां से वो चली जाती है। हम देखते हैं कि उस रात पार्टी में मिलिंडा बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। उसने पुलिस को कॉल किया था, उस वजह से सब लोगों को पार्टी से भागना पड़ा था, कुछ लोग अरेस्ट भी हो गए थे। इसी वजह से सारा स्कूल अब उसे हेट करता है। उसके फ्रेंड्स भी अब अलग अलग ग्रुप में चले गए थे। इन्हें आर्ट सिखाने के लिए एक न्यू टीचर आए थे जिनका नाम था फ्रीमन। फ्रीमन सबसे कहते हैं कि इसी क्लास में तुम अपने आप को ढूंढ पाओगे। अब इस मोमेंट पर तुम्हें क्या फील हो रहा है इसके बारे में तुम्हें ड्रॉ करना है। कोई भी अपनी फीलिंग्स बताता नहीं तो फ्रीमन कहते हैं कि इस तरीके से वर्ल्ड की वजह से अपनी फीलिंग्स दबा देना तुम सीख चुके हो, तुम्हें अपनी इमेजिनेशन को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। उन्होंने हर एक स्टूडेंट को अलग अलग सब्जेक्ट दिया जिस पर उन्हें पूरे सेमेस्टर में ड्रॉ करना पड़ेगा। मिलिंडा को एक ट्री मिली थी। मिलिंडा ने कहा कि मुझे ट्री ड्रॉ करना आता है, इसमें मैं क्या ही कर लूंगी। फ्रीमन कहते हैं कि तुम ड्रॉ कर देखा, वो बेसिक सा ट्री बना देती है। फ्रीमन ने कहा कि सेमेस्टर के खत्म होते हुए इस ट्री में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। मिलिंडा की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था रेचल, ये भी उससे आज कुछ भी बात नहीं करती। मिलिंडा ने अपसेट होकर अपने रूम में खुद को ढक लिया था। उसकी मदर उसे देखती है पर मिलिंडा ने कहा कि सब कुछ ठीक है। मदर हमेशा बहुत ही बिजी रहती थी तो मिलिंडा पर ज्यादा ध्यान नहीं रख पाती। मिलिंडा ने रियलाइज किया कि लोग ज्यादा उससे अब बात नहीं कर रहे, तो खुद बात करना अगर बंद कर दे तो कितने टाइम तक वो रह सकती है। उसकी फ्रेंड हेदर तो खुद बहुत ज्यादा बात करती थी तो मिलिंडा को ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज इनके क्लास में उनके टीचर ने ये जॉब्स को लेकर बात कर रहे थे। उनकी फैमिली अमेरिका में 200 ईयर्स से थी पर फिर भी उनके बेटे को जॉब नहीं लगती, इसका रीजन अलग कंट्री से आने वाले लोग उन्हें लगते हैं। एक स्टूडेंट ने उन्हें बताने की कोशिश की कि शायद आपके बेटे में कुछ भी स्किल नहीं है, पर इस बात पर वो गुस्सा हो गया। ये बात डेव को थोड़ी सी भी अच्छी नहीं लगती, उनके खिलाफ खड़ा हो गया, कहता है कि आप रेसिस्ट हो, आपके ख्याल है पुराने जमाने के, इसी वजह से आप ये सब बोल रहे हो। नेग उसे दबाने की कोशिश करता है पर डेव खुद क्लास से बाहर चला गया। अगले सीन में मिलिंडा के साथ वॉशरूम में उसकी फ्रेंड रेचल थी। मिलिंडा उसे बात करने की कोशिश करती है पर रेचल ने उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया और वहां से चली गई। मिलिंडा ने वॉशरूम में एक गलत चीज लिखी तो इस वजह से नेक उसका पीछा कर रहे थे, पर स्कूल के क्लोजेट में जाकर वो खुद को छुपा लेती है। अब हमें फिर से पार्टी का सीन दिखाया जाता है। पार्टी में मिलिंडा को एंडी ने अप्रोच किया था, उसे बहुत ही अच्छे से बात करता है और ये डांस करने लग गए थे। डांस करते करते बारिश आके तो एक दूसरे को किस करते। अगले दिन लैब में इन्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक एप्पल दिया गया था। मिलिंडा अपने खुद के ख्यालों में थी तो इसे वो खा लेती है। उस पर टीचर गुस्सा हो गए तो फिर से वो क्लोजेट में आ गए। अपनी एक एक चीज वो वहां रखने लग जाती है, पूरे स्कूल में उसे यहीं पर सेफ लगता था। मिलिंडा अपने फ्रेंड रेचल के ग्रुप के साथ लंच कर रही थी तो वहां पर एंडी आ जाता है। उसके करीब आकर वो दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था तो मिलिंडा को यह बहुत ही अनकंफर्टेबल लगा, वो गुस्से में वहां से चली जाती है। हेदर के फ्रेंड्स ने उसे कहा कि मिलिंडा बहुत ही अजीब है, हमारे ग्रुप के साथ अब वो नहीं रह सकती। मिलिंडा भी फ्रीमन के पास आ जाती है। फ्रीमन कहते हैं कि तुम यहाँ पर लंच कर सकती हो पर सिर्फ तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि क्या तुम थैंक्सगिविंग पर बाहर जाने वाली हो। मिलिंडा कहती कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। फ्रीमन कहता है कि मेरे बच्चे हैं
पर फिर भी मैं कैंडी लेने के लिए जाने वाला हूँ। हमारे अंदर का इनोसेंस हमें कभी भी मरने नहीं देना चाहिए। वो कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पा रही थी तो फ्रीमन ने कहा कि एक ट्री इमेजिन करो। जो मलिंडा को इमेजिन हुआ वही उसे ड्रॉ करने के लिए कहते हैं। अब मलिंडा स्कूल में किसी से भी बात नहीं करती थी, स्कूल के क्लोजेट में जाकर वहीं पर हैंग आउट करती थी। अब थैंक्स गिविंग आ चुका था, मलिंडा की मदर को ज्यादा अच्छा टर्की बनाना आता नहीं तो इस वजह से वो इरिटेट हो गई थी। फादर ने ये सब बात रियलाइज की और मलिंडा को डोनट खाने के लिए लेकर गए। मलिंडा उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी पर कुछ भी बता नहीं पाते। घर आने पर ये देखते तो उनकी मदर ने उनके खाने की सारी वाट लगा दी थी। मदर को उसके काम से कॉल आया तो कहती कि आज रात हम बाहर ही जाएंगे। अगले दिन आर्ट क्लास में मलिंडा टर्की की बोन्स लेकर आई थी। फ्रीमन पूछते कि ये क्या है, मलिंडा को अब तक पता नहीं था। थोड़ी देर में उन्होंने देखा तो एक बहुत ही अच्छा आर्ट मलिंडा ने बनाया हुआ था। फ्रीमन कहता है कि इस आर्ट में हम एक बर्बाद हुए हॉलीडे में एक पर्सन छुपा हुआ देख सकते हैं। मलिंडा सरप्राइज थी कि उसकी फीलिंग्स को भी कोई जान सकता है। नेक्स्ट सीन में इनके स्कूल में एक गेम था जहां पर मलिंडा जाती है। उसके पीछे एक लड़की बैठी थी, उससे कहती है जिस पार्टी में तुमने पुलिस को भेजा था उस पार्टी में मेरा ब्रदर भी था और वो अरेस्ट हो गया। गेम चलते वक्त उसे वो बुली करती है। अब हम फिर से पार्टी देखते हैं। बारिश की वजह से मलिंडा के हेयर स्वेट हो गए थे तो एंडी उन्हें सुखाने में उसे हेल्प करता है। उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ ड्राइव पर चलोगे। मलिंडा पहले जरा कतरा रही थी पर वो उसे बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट करता है तो इस वजह से वो मान जाती है। वो उसे अपनी गाड़ी में लेकर गया और वहां पर किस करने लग जाता है। उसके साथ वो जबरदस्ती इंटीमेट हो गया। इस इंसिडेंट की वजह से ही मलिंडा ने पुलिस को कॉल किया था, इसी वजह से बहुत ही ज्यादा वो डिस्टर्ब थी। अब हम समझ सकते हैं कि उसकी कोई भी फ्रेंड नहीं, वो किसी को भी ये बात बता नहीं सकती थी। रात में भी इसके बारे में उसे बहुत ही ज्यादा बुरे सपने आते हैं। उसकी मदर ने नोटिस किया और वो कहती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मदर को लग रहा था कि मलिंडा की कोई भी फ्रेंड नहीं, शायद इसी वजह से वो डिस्टर्ब है। मदर कहती कि तुम्हारे साथ आज जो भी हो रहा है फ्यूचर में तुम सब कुछ भूल जाओगी, ये सब चीजें मैटर भी नहीं करेंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब क्लास चल रही थी तो रेचल को टीचर का पॉइंट अच्छा नहीं लगता। टीचर गुस्सा होकर पूरी क्लास को उसी पर एक ऐसे लिखने के लिए मजबूर करती है। अगली क्लास में फ्रीमन का बजट कट हो चुका था, यानी कि जो टीचर एक्चुअल में अच्छे हैं उन्हीं का बजट कम किया जाता है। जो बिना किसी रीजन के बच्चों को तंग करते हैं उनका कुछ भी नहीं होता, ये बात मूवी हमें दिखा रही थी। अपने बायोलॉजी की क्लास में मलिंडा को एक फ्रॉक को इंसिजन देना था, ये वो कर नहीं पाती और उसे चक्कर आ गई थी। डेव उसे फिर से होश में लाने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिसमस के गिफ्ट्स ओपन किए जा रहे थे। मलिंडा अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स लाती है। फादर ने भी नोटिस किया था कि मलिंडा आजकल ड्रॉ कर रही है तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी ड्रॉइंग बुक को लेकर आते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेदर मलिंडा से बात करती है। उसने कहा कि जब मैं स्कूल में न्यू थी तो तुमने मुझे बहुत हेल्प की थी, आजकल तुम बहुत ही ज्यादा डिप्रेस रहती हो और मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं रह सकती, तुम डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हें हेल्प की जरूरत है। मलिंडा को इस बात से बहुत ही बुरा लगता है। मलिंडा फ्रीमन से बात करने के लिए गई पर वो भी डिस्टर्ब थे तो उससे वो बात नहीं कर पाती। अगले दिन मलिंडा का स्कूल का रिपोर्ट कार्ड ही घर पर आया था। पिछले साल उसने बहुत ही अच्छा किया था पर इस साल उसके ग्रेड बहुत ही ज्यादा कम हो रहे थे तो इस बात से उसके पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं। उसे कहते हैं कि कुछ ना कुछ कर तुम्हें अपनी ग्रेड्स अच्छे करने पड़ेंगे वरना तुम कॉलेज में नहीं जा पाओगी। मलिंडा ने फिर अपने टीचर नेक से बात की। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद नेक कहते हैं कि एक ऐसे लिख कर लाओ। ये ऐसे जब मलिंडा ने सबमिट किया तो नेक कहते हैं पूरे क्लास के सामने तुम्हें बोलकर सुनाना पड़ेगा। ये बात मलिंडा को सही नहीं लगती, वो डेव की हेल्प लेती है और वो इस बात को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं। इस बात से नेक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया, उसे प्रिंसिपल के पास लेकर जाते हैं। मलिंडा के पेरेंट्स को भी बुलाया गया। मदर मलिंडा को ब्लेम कर रही थी पर फादर कहते हैं लास्ट ईयर मेरी बेटी बहुत ही अच्छी थी, सबसे बात करती थी, उसके ग्रेड्स भी बहुत ही अच्छे थे, आखिर आपके स्कूल में ऐसा हुआ क्या जिससे वो किसी से भी बात नहीं कर रही। इसके बाद डेव मलिंडा से बात करता है, कहता है अगर तुम्हें कोई बात अच्छी नहीं लगती तो उसके खिलाफ तुम्हें प्रोटेस्ट तो करना ही चाहिए पर तुम्हें बात भी करनी पड़ेगी, सबको अपना पॉइंट बताना पड़ेगा। इसके बाद कुछ टाइम बीत गया था, आज वैलेंटाइन डे है। मलिंडा नोटिस करती है कि उसकी फ्रेंड रेचल ये एंडी को डेट कर रही है। ये बात उसे बहुत ही डिस्टर्ब करती है। आर्ट क्लास में मलिंडा की बेंडिंग बहुत अच्छी हो रही थी। फ्रीमन ने उसे पिकासो का वर्क दिखाया, उन्हें लगता था कि मलिंडा भी उस तरीके से कुछ कर सकती है। क्लास खत्म हो जाने के बाद भी मलिंडा पेंट कर रही थी तो एंडी वहां पर पहुंच जाता है। उसे पूछता है कि रेचल कहां पर है, उसे बात करने वाला था पर रेचल ने इन दोनों को साथ में देख लिया, इस बात से वो गुस्सा हो गई थी। एंडी ने कहा कि मुझे लगा था कि वो तुम्हारी फ्रेंड है, रेचल कहती कि वो मेरी फ्रेंड नहीं है। एंडी कुछ भी कर उसे मना ही लेता है। ये सब सुनने के बाद मलिंडा घर पर आकर अपने क्लोजेट में छुपकर जोर से चिल्लाती है। इसके बाद स्कूल में मेंटल हेल्थ डे था,
तो मलिंडा स्कूल में नहीं जाती है। वो एक हॉस्पिटल में आ गए और एक एम्प्टी बेड पर वो सो जाती है। उसने हमसे कहा कि वैसे भी घर पर वो सो नहीं पाती, हमेशा उस रात के बारे में सोचती रहती है। पूरा दिन बीत गया पर फिर भी मलिंडा को किसी ने नोटिस नहीं किया था, तो रात में वो घर पर आ जाती है। अगले दिन मलिंडा से मिलने के लिए हैदर आई। उससे कहती कि मुझे तुमसे फ्रेंडशिप तोड़नी नहीं चाहिए थी। हैदर के ग्रुप को स्कूल को डेकोरेट करने का काम दिया गया था, ये सारा काम उन्होंने हैदर पर ही डाल दिया है। उसे हेल्प की जरूरत थी तो उसी वजह से वो फिर से मलिंडा की फ्रेंड बनना चाहती थी, पर मलिंडा इन सब से अब तंग आ चुकी थी। उसे कहती कि तुम इस तरीके से मेरा यूज नहीं कर सकते, उसे जाने के लिए कहती है। मलिंडा इस तरीके से विक्टिम बनने से तंग आ चुकी थी। वो स्कूल में जाकर टेनिस टीम के लिए ट्राई करती है और वो बहुत ही अच्छा खेल रही थी। मलिंडा एक कन्फ्लिक्ट में थी, उसे लग रहा था कि रेचल को उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद एंडी उसे भी हर्ट कर देगा। उसके साथ जो हुआ था इसके बारे में उसे किसी ना किसी से तो बात करनी ही थी। वो फिर रेचल के पास आ जाती है। उसने रेचल से पूछा कि क्या तुम और एंडी कपल हो। रेचल कहती कि सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है। मलिंडा ने रेचल को बता दिया कि एंडी ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। इस बात से रेचल ही मलिंडा पर गुस्सा हो जाती है। उसने कहा कि तुम मुझसे जेलस हो, इसी वजह से मेरी रिलेशनशिप बर्बाद करना चाहती हो। गुस्सा शांत हो जाने के बाद रेचल ने इस बात पर सोचा था। वो एंडी को इस बात को लेकर कन्फ्रंट कर दिया। एंडी इससे गुस्सा हो गया और चला जाता है। रेचल ने फिर उसे ब्रेकअप कर लिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मलिंडा के फादर की जॉब चली गई थी, तो अलग अलग जगह पर वो इंटरव्यू दे रहे थे। मलिंडा उन्हें सहारा देती है। ये दोनों मिलकर प्लान करते हैं। वो पहले हमेशा जैसे होती थी वैसे ही सबसे अब बात करने लग गई थी। नेक्स्ट सीन में डेव मलिंडा के पास आया। वो कहता है कि ईयरबुक के लिए तुम्हारी साइन दे दो। मलिंडा कहती कि मेरी फोटो किसने भी ली नहीं थी। डेव कहता है कि मैंने ली थी। मलिंडा को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। डेव ने उसे कहा कि आज रात सब फ्रेंड्स मिलकर हम बाहर जाने वाले हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी। मलिंडा को ये बात अच्छी लगती है, उसके लिए उसे हाँ कहती है। इसके बाद मलिंडा फ्रीमन के पास आए। स्कूल अब खत्म होने वाला था तो फ्रीमन ये जॉब छोड़ रहे थे। फ्रीमन ने कहा कि इस तरीके से स्टूडेंट को जज करना यह चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, हर कोई यूनिक होता है। मलिंडा उन्हें अपनी ड्राइंग्स दिखाने के लिए लेकर जाती है। पूरे सेमेस्टर ने मलिंडा ने बहुत सारी ट्रीज की ड्राइंग बनाई थी और हर एक बहुत ही ज्यादा यूनिक थी। ये सब देखकर फ्रीमन की आंखों में आंसू आ गए, उन्हें बहुत अच्छी लगी थी। वो चले गए और उसके बाद एंडी मलिंडा के पास आ जाता है। उसने कहा कि तुम्हें रेचल को ये सब बात नहीं बतानी चाहिए थी। उसे फिर से जबरदस्ती करने लग जाता है। मलिंडा एसिड की बॉटल लेती है और एंडी की आंख में डाल देती है। वो फिर भी उसे मारने की कोशिश कर रहा था। मलिंडा की चीखें सुनकर स्कूल की टीम की लड़कियां उसे बचा लेती है। टीम की एक लड़की के साथ भी एंडी ने जबरदस्ती की थी, तो इस वजह से उन्हें सब कुछ पता था। ये सब बात फिर वो टीचर्स को बता देते हैं। एंडी को जेल में जाना पड़ा। मलिंडा की मदर को जब ये बात पता चले तो उसे बहुत सपोर्ट करती है। मलिंडा भी अब सब कुछ बताने के लिए रेडी थी। फाइनली वो खुद के लिए स्टैंड करने के लिए सीख गई थी। ये मूवी हमें सिखा कर जाती है कि वर्ल्ड हमें कितने भी दबाने की कोशिश करे, पर जो चीज़ सही है उसके लिए हमें खड़ा रहना चाहिए। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।